बीजेपी आप सांसद राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल के लिए प्रस्ताव में फर्जी साइन करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के सांसद भी शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर झूठ फैलाने की बात कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 एट पास बाय लोकसभा। माननीय दोनों सम्मान्य सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। माननीय इनका सिग्नेचर किसने किया? अबे मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पने का नहीं है। द बिल फर्दर टू एमेंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 एज पास बाय लोकसभा। देश की संसद में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में वोटिंग के बाद बिल पर मुहर लग गई। लेकिन इस बिल के पारित होने के दौरान एक बड़ा बखेड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया। फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा है, जिसमें कई सांसदों के नाम को लेकर घमासान मच गया, जिसमें बीजेपी के सांसद भी शामिल थे। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 डॉक्टर सस्मित पात्रा, श्री जयराम रमेश, श्री एस निरंजन रेड्डी, श्री कपिल सिब्बल, श्री त्रिचि शिवा, डॉक्टर एम थम्बी दुरई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। चेयर ने जैसे ही प्रस्ताव पढ़ा, नीचे बैठे सांसद हैरान रह गए कि उन्होंने तो राघव चड्ढा के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी ही नहीं थी। फौरन गृह मंत्री ने दखल दिया। ये दोनों सम्मान्य सदस्य कह रहे हैं, माननीय दोनों सम्मान्य सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए। गृह मंत्री ने सुधांशु त्रिवेदी का नाम प्रस्तावकों में शामिल होने पर एतराज जताया तो बाकी के दूसरे सांसद भी अपनी आपत्ति जाहिर करने लगे। सांसद आरोप लगाने लगे कि उनके नाम फर्जी तरीके से प्रस्तावकों में शामिल कर दिए गए हैं। Sir, no such discussion has been done by me. Thank you. My name has been taken without my permission, sir. Dr. Sasmit Patra ji, please. This is a matter of privilege. How did I name them? Please take your case. I do not understand. सस्मित पात्रा के खुलासे के साथ ही फ्लोर पर शोर मच गया। कई सांसद खड़े हो गए कि उनके नाम भी बगैर इजाजत के राघव चड्ढा ने प्रस्ताव में लिख दिए हैं। चेयर ने बताया कि पहले से और भी सांसदों ने ऐसी शिकायत भेजी है। ऑलरेडी 5-4 सदस्यों ने कंप्लेन भेजा है, दिस विल बी इंक्वायर्ड, इसकी जांच होगी। कैसे बाद में पता चला कि राघव चड्ढा ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें फावनॉन कोनियन, सस्मित पात्रा, एन थम्बीदुरई और सुधांशु त्रिवेदी के नाम बिना मंजूरी के लिख डाले गए हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत ही नहीं होती है और ये नियम है। आई विल रिस्पॉन्ड माई डियर फ्रेंड, नो सिग्नेचर इज नीडेड। मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसका खुल के जवाब दूंगा। उधर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती थी गैर संवैधानिक ये बिल है, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिल मिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है।
कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है, और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। सूत्रों की माने तो सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप साबित होने के बाद राज्यसभा के चेयरमैन राघव चड्ढा के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ है। राघव ने गुड फेथ के अंदर नाम दिए, ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता ले ली थी, ऐसे राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये ताकतवर लोग ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, राघव फिर चुन के आ जाएंगे। नियमानुसार सांसदों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, जब उनका नाम घोषित किया जाता है उसके बाद अगर सांसद इनकार कर देते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है, ये नियम है। संसदीय प्रणाली को समझना गृह मंत्री के लिए बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 20। बहरहाल दिल्ली सेवा बिल के बाद अब राघव चड्ढा को लेकर सियासत जारी है, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। किन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।